हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ आपको मेरी स्पेशल पिक कल के लिए। दोस्तों, उसका नाम है टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स शेयर। देखिए, काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है एंडिंग जोन में, आज कह सकते हैं मार्केट के एंड होते होते, और शेयर में मुझे लगता है कल अच्छा खासा गेन दिखने वाला है शेयर के अंदर। अभी प्राइस चल रही है 150, 6.50 रुपये बढ़ा है शेयर, और 4.52% के आज हमें अच्छे खासे गेंस देखने को मिल गए शेयर में। अब शेयर की देखिए बात करते हैं क्या। सबसे पहले देखिए आज का चार्ट देखते हैं हम। देखिए, जो एंड में हुआ है वो काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है शेयर में, और मुझे लगता है आज आपको शेयर कल मतलब माफ़ कीजिएगा कल आपको शेयर में 5 से लगाकर 10 रुपये तक के, आपको कल अच्छे खासे 5 रुपये से लगाकर 10 रुपये तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं शेयर के अंदर। मुझे लगता है कल शेयर 5 से 10 रुपये शेयर बढ़ सकता है। देखिए, शेयर की पूरी बात करते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारना मत भूलना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम टाटा मोटर्स शेयर की बात करें तो देखिए टाटा मोटर्स शेयर काफ़ी अच्छा खासा मूव दे रहा था, और देखिए आज जो एक ब्रेकआउट नीडेड था 150 के, जो आप कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस था, वो आज इसने ब्रेक किया और 150 पे क्लोजिंग दी है। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बात देख लीजिए क्या है कि इसने आज 150 प्लस पे क्लोजिंग दे दी है, 150.30 पे दी है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है शेयर के लिए। अब देखिए शेयर कहाँ से कितना बढ़ चुका है, एक महीने के अंदर आप कह सकते हैं पूरे 33% के अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुका है शेयर। शेयर में देख लीजिए काफ़ी अच्छी खासी मूविंग देखने को मिल रही है, और देख लीजिए शेयर मुझे लगता है कल भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिखाने वाला है। देखिए शेयर में आपको कहाँ ध्यान रखना है, सबसे देखिए परफेक्ट बाइंग अगर आपको कल मिल जाता है देखिए तो आप इसको ख़रीद लीजिए 150 पे। मुझे लगता है 150 से कल आपको 162 लगाकर 155 to 160 के कल आपको एवरेज टारगेट्स मुझे लगता है देखने को मिल सकते हैं शेयर के अंदर, क्योंकि शेयर में आप कह सकते हैं अभी खासा फ्रेश ब्रेकआउट कह सकते हैं इसमें अभी देखने को मिला है, और जहाँ ये बंद हुआ है वो भी इसका डे हाई है। ठीक है, आज देख लीजिए शेयर में कहाँ ब्रेकआउट आया। आज शेयर में ब्रेकआउट आया है 144 के बाद, 144 के बाद शेयर में ब्रेकआउट आया है 150 तक का, ये समझिए 150 तक का, यानी यहाँ पे आपको 6 रुपये शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग में देखने को मिल गया। और देखिए जो 150 का एक ब्रेकआउट देखना था वो मिल गया है, और कल 160 तक के लक्ष्य में आपको फिर कह रहा हूँ देखने को मिलने वाले हैं। देखिए शेयर की पूरी बात करेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पिक है टेक्निकल्स। देखिए टेक्निकल्स क्या है, टेक्निकल्स हमें अभी क्या दिख रहा है, हमें बिल्कुल बाइंग चल रही है, सेलिंग का प्रेशर बहुत बहुत कम है। ऑसिलेटर्स ने तब भी एक जगह सेलिंग दी है, पर मुझे लगता नहीं कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। मूविंग एवरेजेस की ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा 16 बाइंग दी है, 0 सेलिंग, यहाँ याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग बाय का रिकमेंडेशन है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन है। ऑसिलेटर्स ने थोड़ा सा भी कह सकते हैं इस पर नरम पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको जल्दी ही इसके अंदर अच्छा खासा मूव दिखने वाला है। और देखिए टाइम, सबसे पहला टाइम जो इम्पोर्टेंट है, देखिए टाइम पीरियड, देखिए अगर आपको अपना मुनाफा लेना है तो कल ही निकल जाइएगा, एंडिंग 3:30 के से पहले आप अपना मुनाफा लेके निकल सकते हैं देखिए शेयर में, क्योंकि मुझे लगता है शेयर में कल मूव देखने को मिल सकता है, फिर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ जाती है, वहाँ पर आप बाइंग करके चल सकते हैं। तो देखिए टाइम स्पेन आपको एक दिन का दे रहा हूँ, एक दिन में आप समझ सकते हैं, ये BTST ट्रेड भी समझ सकते हैं, लेकिन BTST नहीं कह सकते कि आज आपको बाय नहीं करवा पाया मैं, लेकिन अब कल ये मुझे लगता है शेयर में आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो ये एक दिन की पिक रहेगी। अब देखिए यहाँ पे कहाँ ध्यान रखना है आपको, देखिए 152 का यहाँ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, लेकिन वो 151 का ही है, मैं कह सकता हूँ। देखिए यहाँ पे 151 का एक शेयर का रेजिस्टेंस है, वो कह सकते हैं शेयर में आज आपको टूटने को, कल मुझे लगता है आसानी से टूटने को देखने को मिल सकता है, और शेयर में कल शॉर्ट कवरिंग के अंदर 5-10 रुपये का अच्छा खासा गेन देखने को मिल सकता है। तो शेयर में अभी बाइंग करके चलिए, बिल्कुल बाइंग की सलाह रहेगी। देखिए 150 पे मिल जाता है, 150 पे ख़रीद लीजिएगा, वैसे मिलना मुश्किल है, लेकिन आपको कल 160 तक के लक्ष्य आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस रखिएगा 147 तक का, स्टॉप लॉस 147 का ध्यान रखिएगा, 147 अगर आ जाता है तो फिर अपना पोजीशंस निकाल लीजिएगा, सेल कर दीजिएगा और
बैठे रहिए यार। दोस्तों ये था आज के लिए पिक, रोज़ स्पेशल पिक आएगी 6:30 बजे। आपको अगर स्पेशल पिक लेनी है तो यार दोस्तों सिर्फ एक काम करना पड़ेगा छोटा सा आपको, कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको रोज़ मिल सके स्पेशल पिक और सारी जो भी स्टॉक्स की एनालिसिस, तो वो तुम रोज़ वीडियो आते ही है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।